ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 13/12/64 रविवार। रिकॉर्ड चला है नई उम्र की कलियां हो तुम। बाप बैठकर बच्चों को समझाते हैं, तुम बच्चों को हरेक की ज्योति जगानी है। हरेक में कितने आ गए? हरेक की ज्योति जगानी है माने हरेक में कितने आ गए, कितनों की ज्योति जगानी है। जगानी है तुम बच्चों को, लेकिन हरेक की ज्योति जगानी है। हरेक माने है साढ़े चार लाख की ज्योति जगानी है। सारी दुनिया की ज्योति नहीं जगानी है, है? सारी दुनिया की ज्योति जगानी है या सिर्फ 4.5 लाख की ज्योति जगानी है? नौ लाख की ज्योति नहीं जगानी है, है? वो भी जगानी है। पहले 4.5 लाख वो तो शरीरदारी हो गए और उनमें प्रवेश करने वाले हैं या नहीं, उनकी ज्योति नहीं जगेगी? जगेगी या नहीं जगेगी? जगेगी। तो जो 9 लाख की ज्योति जगेगी वो पूरी ज्योति जगेगी या अधूरी जगेगी? पूरी ही ज्योति जगेगी। ज्योति उज्यानी हुई है ना, कितनों की? कल पहले भी बाप आया था तो 9 लाख की ज्योति जगी थी, 4.5 लाख शरीरधारी सूर्यवंशी और 4.5 लाख चंद्रवंशी, टोटल 9 लाख की ज्योति जगी थी। ये तुम्हारी बुद्धि में है और फिर भी बेहद का ख्याल है, बाप को भी बेहद का ख्याल रहता है। तो ये जो 9 लाख हैं, वो हद की दुनिया के हैं या बेहद की दुनिया के हैं? 9 लाख बाप बेहद का है कि हद का है? बेहद का है। कितनों का है? लौकिक बाप तो हद के बच्चों के बाप होते हैं, धर्म पिताएं भी बेहद 500 करोड़ के बाप तो नहीं होते। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं तो उनको बाप अपना मानती नहीं। भले क्राइस्ट भी है 200 करोड़ से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं, उतनों का ही बाप है, उनसे ज्यादा का तो बाप नहीं है, तो बेहद का तो नहीं कहेंगे। बेहद माना जो भी 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं सबका बाप। तो तुम्हारी बुद्धि में हद का ख्याल है या बेहद का ख्याल है?
तो 9 लाख क्यों कहा? नौ लाख इसलिए कहा कि 9 लाख की तो ज्योति जगेगी, पूरी ज्योति जगेगी, पूरे 84 जन्म लेंगे। उसके बाद जो भी मनुष्य आत्माएं होंगी उनकी ज्योति तो पूरी जगनी नहीं है, उनके तो कुछ न कुछ जन्म कम हो जाएंगे। फिर भी तुम्हारी बुद्धि में तो वेद का ख्याल रहता है कि जो भी मनुष्य मात्र हैं इन सबको मुक्ति धाम का रास्ता बतावे, क्योंकि आते ही हैं गाइड बन करके। इस बाप का नाम ही रहता है गाइड, गाइड माने पंडा। पंडा क्या करते हैं? तीर्थ स्थान पर ले जाते हैं। तीर माने किनारा, ठिकाना, था माने स्थान, किनारे पर लगाने का स्थान, एक ठिकाने पर पहुंचाने का स्थान। ये बच्चों को बुद्धि में अच्छी तरह से बैठना है और सर्विस में लगना है, क्योंकि बाप भी तो यहाँ सर्विस करने ही आते हैं। कौन सी सर्विस करने आते हैं? हैं? सर्विस करने आते हैं पतित आत्माओं को पावन बनाने की सर्विस करने आते हैं। पतित आत्माएं पावन बनती हैं तो ज्योति पूरी जग जाती है। तो बाप रहम दिल तो है, गाया भी जाता है रहम करो रहम करो। अभी तुम बच्चे जानते हो कि ये मनुष्य नहीं जानते हैं कि हम कोई दुखी हैं, क्योंकि उनको सुख का पता नहीं है, सुख देने वाले का पता नहीं है कि वो सुखदाता बाप बेहद का कितना सुख देने आता है। ये तो तुम समझ गए हो कि ये ड्रामा की भावी है। इस समय में मनुष्य जो भी है मनुष्य मात्र, उनको ये मालूम ही नहीं है कि सच्चा सुख किसको कहा जाता है और दुख किसको कहते हैं। ये सुख और दुख क्यों है? वो तो कह देते हैं ईश्वर ही सुख देते हैं, ईश्वर ही दुख देते हैं। वो या ईश्वर के ऊपर कलंक लगा दिया। अच्छा, अगर कहते हैं कि ईश्वर ही सुख दुख देते हैं तो उस ईश्वर को जानना चाहिए ना कि सुख भला कैसे देते हैं, उनसे पूछना तो पड़े। ईश्वर है कहाँ जिससे पूछें? याद कैसे करें उसे? याद करें, उससे पूछें दुख वाला क्यों देते हो? भले ईश्वर हो तो उनसे पूछें भी ना। तो ईश्वर जिसको बाप कहते हो उसको जानते ही नहीं है। बाप की तमन्ना क्या होती है बच्चों के लिए? मेरे बच्चे सुखी रहे। हद का बाप हद का सुख देगा और बेहद का बाप
बेहद का सुख देगा। बड़े बड़े धर्म पिताएं हैं, बड़ी बड़ी दुनिया की जेंट्री उनको पिता मानती है, परंतु वो सब हद का सुख देने वाले, बेहद का सुख देने वाला तो एक ही बाप है। तो बाप तो जानते हैं कि मैं इन बच्चों को सुख देता हूं, इन बच्चों को सुख देता हूं। बाप जानते हैं कि मैं इन बच्चों को सुख देता हूं, बेहद का, इन बच्चों को है जो सन्मुख बैठे उनको ही सुख देता हूं बेहद का। जो प्रवेश करते हैं वो बेहद का सुख नहीं भेजते, प्रवेश करने वाली आत्माएं सन्मुख तो बाप के 4.5 लाख ही होने, कितने होने हैं? 4.5 लाख तो सन्मुख होंगे, वो ही बेहद का सुख भोगेंगे, उनमें प्रवेश करने वाले नहीं भोगेंगे। बेहद का सुख भोगने वाला कौन सा देवता दिखाया जाता है? नारायण माने विष्णु। तो विष्णु नर से नारायण जैसे, नारी से लक्ष्मी जैसे, विष्णु जैसे फरिश्ताई रूप वाले सिर्फ 4.5 लाख ही बनते हैं। नहीं, उनमें प्रवेश करने वाले भी विष्णु स्वरूप बनते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी संपूर्ण जकी हुई ज्योति वाले बनते हैं कि अधूरी ज्योति वाले? संपूर्ण ज्योति जगी हुई है। तो इन बच्चों को सुख देता हूं, बेहद का सुख इन बच्चों को देता हूं, सबको सबको देता हूं, बेहद का सुख देता हूं। कितनों को देता हूं? 9 लाख आत्माएं हैं जिनको बेहद का सुख देता हूं। कितने जन्मों का है? 84 जन्मों का सुख देता हूं। ये बेचारे जानते नहीं हैं कि दुख कब से, क्यों और कहां से शुरू होता है। तुम बच्चों के अलावा बाकी जो दुनिया वाले हैं, जिनकी ज्योति पूरी जगती नहीं है, वो बेचारे जानते ही नहीं है। जानते हैं 84 जन्मों के सुख को? नहीं, उन्होंने कभी 84 जन्म लिए ही नहीं, तो जानेंगे कैसे? रसगुल्ला खाया होगा तो रसगुल्ले का आनंद खाने वाला जानेगा, जिसने खाया ही नहीं वो आनंद कहां से जानेगा। तो देखो, देने वाला कौन है वो जानते ही नहीं है। तुम बच्चे तो जानते हो कि सुख देने वाला कौन है, तो बताओ सुख देने वाले को कौन जानते हैं, कितने जानते हैं? 9 लाख आत्माएं हैं जो सुखदाता बाप को जानती हैं, और बाकी बेहद का सुख देने वाले बाप को जानते ही नहीं। क्यों नहीं जानते? क्योंकि वो बेहद का बाप से बेहद का सुख, सुख का वर्षा पूरा लेते ही नहीं 84 जन्म का। कहेंगे 21 जन्म तो मैं तुम बच्चों को पूरा सुख देता हूं, बाकी 63 जन्म 21 जन्मों के आधार पर बनते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि बरोबर बाप आया हुआ है, इससे बोला तुम बच्चे जानते हो कि बरोबर बाप आया हुआ है। तुम बच्चे माने जो सन्मुख बैठने वाले हैं उनको कहा जाता है तुम बच्चे, दुनिया में और कोई नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो क्या है?
कि बाप आया हुआ है बेहद वाला पतितों को पावन बनाने के लिए। अच्छा 500 करोड़ आत्माएं पतित नहीं बनती हैं, तो उनको पावन बनाने नहीं आया हुआ है? पावन बनती है, वो बेहद का पावन बनती है? बनती नहीं। तुम बच्चे पूरे पतित बनते हो और पूरे पावन भी बनते हो। अच्छा आत्माएं पतित हैं, भला उनको पावन करके कहां ले जाएंगे? कहां ले जाएंगे? पावन धाम में ले जाएंगे? कहां बिठाएंगे? बोलते हैं मैं आकर के साथ में ले जाऊंगा। क्या कहा? आकर के ले जाऊंगा, या ब्रह्मा के तन में आकर के चला जाऊंगा फिर बाद में साथ ले जाऊंगा? क्या बोला? मैं आकर के साथ में लेकर जाऊंगा, बीच में नहीं जाऊंगा। आया किस लिए हूं? तुम पतितों को पावन बनाने और साथ में घर ले जाने आया हुआ। मुरली में क्या बोला? बोलते हैं ना, क्या बोला? साथ रहेंगे, साथ खाएंगे, साथ पिएंगे, साथ हंसेंगे, खेलेंगे और साथ में ले जाएंगे। तो बीच में चले जाएंगे क्या? है लेकर के जाएंगे। बीके वाले क्या समझते हैं? है सूक्ष्म बदन में तो मैं आता ही नहीं हूँ, सूक्ष्म बदन में तो फरिश्ते रहते हैं। ब्रह्मा विष्णु क्या हैं? फरिश्ते हैं। फरिश्तों में मैं आऊंगा। फरिश्ते पावन होते हैं या पतित होते हैं? तो पावन में मैं आता हूँ, सूक्ष्म बदन में आता हूँ? बोलते हैं मैं सूक्ष्म बदन वासी ब्रह्मा में आता ही नहीं हूँ, इसमें आता हूँ, इस पतित दुनिया में आता हूँ, पतित तन में आता हूँ और तुम बच्चों को साथ लेकर के जाऊंगा। क्योंकि सीट होम निर्वाण धाम भी तो पावन ही है ना, वहां कोई पतित आत्मा तो होती ही नहीं है, वहां कोई रहती ही नहीं है पतित आत्मा। उस ठिकाने को मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते हैं। किस ठिकाने को? उस ठिकाने को जो सूरज चांद सितारों की दुनिया से भी परे है, उसको मनुष्य नहीं जानते? नहीं जानते। अगर नहीं जानते तो गीता में कैसे कह दिया? नहीं, गीता में, गीता भी तो मनुष्य ने लिखी ना, गीता में कैसे लिख दिया? न तत् भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। ये कैसे लिख दिया है? अरे गीता भी तो मनुष्यों की लिखी हुई है, तो मनुष्य नहीं जानते? माना आज के मनुष्य कुछ भी नहीं जानते, आज की जो पतित दुनिया है वो नहीं जानती। ये कि वो द्वापर के आदि में जो भी मनुष्य मात्र थे, जो भी उन्होंने शास्त्र लिखे, वो फिर भी सतो प्रधान थे, शास्त्र भी सतो प्रधान थे या तमो प्रधान थे? सतो प्रधान थे। तो जिनको निर्वाण धाम कहते हैं, पार निर्वाण कहते हैं, पार निर्वाण गया, निर्वाण धाम में गया, इस बात को भी समझ नहीं सकते हैं कि पार निर्वाण कैसे गया। निर्वाण माने वाणी से परे,
वाणी से परे आत्मा कैसे जाती है ये कोई को पता ही नहीं है। कह देते हैं बुद्ध पार निर्वाण गया, शंकराचार्य पार निर्वाण गया, गुरु नानक पार निर्वाण गया, लेकिन पार निर्वाण ऐसे ही कोई शरीर छोड़ दे तो चला जा सकता है? पार निर्वाण जाने के लिए आत्मा को पतित से पावन बनना पड़े, ये बात भी नहीं समझ सकते। बुद्ध के लिए कह देते हैं कि पार निर्वाण गया यानी वाणी से परे स्थान में गया, तो कोई की बुद्धि में नहीं है कि वो पारलोक में वाणी तो होती ही नहीं है। क्यों वहां वाणी क्यों नहीं होती? हाँ, वहां तो शरीर ही नहीं होता। जहाँ पांच तत्व होंगे वहां वाणी भी होगी, जहाँ पांच तत्वों की दुनिया ही नहीं वहां वाणी की बात ही नहीं। तो जरूर यहाँ का रहने वाला था जो यहाँ से वहां गया। अच्छा, वो तो गया, अभी क्या करना है? कहते हैं ना बुद्ध पार निर्वाण गया। अच्छा, बुद्ध चला गया, फिर अभी क्या करना है? बाकी ये जो दूसरे सभी वो पार निर्वाण कैसे जावे? वो खुद तो पार निर्वाण गया कह देते हैं, बुद्ध पार निर्वाण गया, उसको साथ में तो ले नहीं गए, सबको साथ में ले गए क्या? नहीं, न वो गया न ये साथ में कोई गए, न वो कोई को साथ में ले जाता है। कौन? महात्मा बुद्ध। साथ में ले जाने के लिए तो इस पतित दुनिया में पतित पावन को याद करते हैं। पतित आत्मा जब तक पावन न बने तब तक वो हल्की फुल्की बनेगी नहीं, और हल्की नहीं बनेगी तो ऊपर उड़ नहीं सकती। देवान का बोझ है तो ऊपर उड़ नहीं सकती। तो ऐसे ही बोल देते हैं कि बुद्ध पार निर्वाण गया, अमुक पार निर्वाण गया, तो दो पावन दुनियाएं हैं। कौन सी दो पावन दुनिया है? एक है मुक्ति धाम और एक है जीवन मुक्ति धाम। क्या मतलब? मुक्ति धाम जहां जीवन से ही मुक्ति हो जाती है, जिंदगी ही नहीं, और दूसरा है जहां जीवन भी है जिंदगी भी है और दुखों से मुक्ति भी है। अभी अभी जीवन है या नहीं है? जिंदगी तो है लेकिन दुखों से मुक्ति तो नहीं है, तो इसको मुक्ति धाम नहीं कहेंगे, इसको जीवन मुक्ति धाम भी नहीं कहेंगे। ये तो जीवन बंद धाम है। इस जीवन में जैसे पांच तत्वों ने बांध रखा है, पांच विकारों ने हमको बांध रखा है, तो ये तो बंधन धाम है। नाम भी देते हैं ना, एक शिवपुरी एक विष्णुपुरी। तो शिवपुरी किसको कहा जाता है? शिव माने बिंदी, आत्मा। कैसी आत्मा? निराकारी निर्विकारी निरहंकारी आत्मा, कल्याणकारी आत्मा, सदा कल्याणकारी थी भी कल्याणकारी है भी कल्याणकारी रहेगी भी कल्याणकारी। उसका धाम शिवपुरी और दूसरी है विष्णुपुरी, माना
जहाँ विश्व नाम की कोई चीज नहीं, नो विश एट ऑल, उसको कहते हैं विष्णुपुरी। तो ऐसी विष्णुपुरी को बनाने वाला कौन? और फिर इस रावणपुरी को बनाने वाला कौन, जिसको विष्णुपुरी कहते हैं उनको रामपुरी भी कहते हैं? ऐसे क्यों है? विष्णुपुरी को रामपुरी क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि विष्णु कोई एक आत्मा का नाम नहीं है। विष्णु माने कई आत्माओं के स्वभाव संस्कार का मेल, उसको कहते हैं विष्णु, जो चार भुजाओं के रूप में दिखाया जाता है। भुजा माने मददगार, सहयोगी, कोई राइट हैंड के रूप में सहयोगी, कोई लेफ्ट हैंड के रूप में सहयोगी, लेकिन भुजाएं अपने आप चलती हैं, कोई चलाने वाला होता है, चलाने वाला होता है। तो जो चलाने वाला है वो राम है। बाकी जो चार भुजाओं का कॉम्बिनेशन दिखाया जाता है उसे विष्णु कहा जाता है। तो परमपिता परमात्मा को बहुत मनुष्य राम भी कहते हैं, बहुत मनुष्य माने सब मनुष्य नहीं कहते हैं। बहुत मनुष्य कौन से राम कहते हैं परमपिता परमात्मा को? दुनिया वाले दूसरे धर्म के लोग, दूसरे देशों के लोग तो राम को नहीं मानते, तो कौन से लोग कहते हैं? भारतवासी लोग हैं बहुत, जो राम को परमपिता परमात्मा मानते हैं। भारतवासी ही क्यों मानते हैं? दूसरे देशों के लोग, दूसरे धर्म के लोग राम को परमपिता परमात्मा गॉडफादर क्यों नहीं मानते? नहीं, क्योंकि उस राम के साकार स्वरूप को दूसरे धर्म वालों ने पूरा पहचाना नहीं। अगर पहचाना भी है तो थोड़ा समय पहचाना, बाद में जब दूसरे धर्म पिताओं के कनेक्शन में आते हैं तो कन्वर्ट हो जाते हैं, तो पूरा नहीं पहचान पाते। तो मूल मनुष्य ने सीता हरण वाले मनुष्य को राम कह दिया है। जो सीता हरण वाला राम है उसको राम कह दिया। वास्तव में सीता का हरण कौन से युग में होता है? सतयुग में तो हो नहीं सकता। कहाँ होता है? त्रेता में। त्रेता में भी नहीं हो सकता। जब द्वापर शुरू होता है, रावण राज्य शुरू होता है, तब सीता का हरण होता है। कौन से जन्म में? त्रेता में तो 12-13 जन्म होते हैं। तो पहले राजा राम की गद्दी में हरण होता है या लास्ट वाला जो राजा राम था, टाइटल धारण करने वाला राम राजा था, उसकी सीता का हरण होता है? कौन सी सीता का हरण हुआ होगा? द्वापर में ही हरण होता है ना, तो जरूर त्रेता के अंत में जो लास्ट राजा राम होता है उसकी सीता का हरण होता है। तो मूर्मति मनुष्यों ने सीता हरण वाले मनुष्य को राम कह दिया। वास्तव में उसकी बात नहीं है, बात है उस राम की। राम शब्द का अर्थ है रम्यते योगिनो यस्मिनि इति राम, जिसमें योगी लोग रमण करते हैं, जिसके स्वरूप में
योग लगाने वाले योगी लोग रमण करते हैं, प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, उसको राम कह दिया। तो प्रसन्न करने वाला वो त्रेता वाला राम है या उसमें प्रवेश करने वाली शिव की आत्मा है? जो शिव की आत्मा है, जो सदैव प्रसन्न रहने वाली है, प्रसन्न करने वाली है, कभी भी दुखी होने वाली नहीं है, सदैव शांत स्वरूप है, वो आत्मा जब राम के अंतिम 84वें जन्म में प्रवेश करती है मुकर्रर रूप से, तो उसे राम कहा जाता है। नहीं तो राम अक्षर जब कहा जाता है तो जरूर बुद्धि परमात्मा की तरफ जाएगी। किसकी तरफ है? ये नहीं कहा परम पिता की तरफ जाएगी, कहाँ जाएगी? परम आत्मा की तरफ। परमात्मा क्यों कहा? आत्माओं के बीच में परम पार्टधारी, हीरो पार्टधारी कौन? परमात्मा। कौन हुआ हीरो पार्टधारी? 500 करोड़ 700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, उनमें जो हीरो पार्टधारी है वो राम है। वो राम की आत्मा हीरो पार्ट बजाने वाली, ऊंचे ऊंचे पार्ट बजाने वाली है। बाकी शिव परमात्मा नहीं कहेंगे, क्यों? वो तो आत्मा पार्ट में आती ही नहीं, करता है या अकरता है? वो तो अकरता है। कोई मनुष्य की तरफ नहीं बुद्धि नहीं जाती है, बुद्धि जाती है परम पार्टधारी परमात्मा की तरफ। और मनुष्यों को सभी को तो परमात्मा नहीं मानेंगे। एक को तो जरूर सभी मानेंगे। क्या कहा? आत्मा सो परमात्मा, ये एक की बात है या सभी मनुष्यों की बात है? एक की बात है, सब की बात नहीं है। ओम शांति। लिया है, नई बातें आई हैं, तो कोई कोई ऐसी बातें वो आई होंगी जिनका समाधान माता जी से न मिला हो। ये सारी बातें समझ में आ गई है? हिंदी जान दे? हाँ, फिर बताओ। माताजी ने जो भी बातें बताई वो सारी समझ में आ गई? कि सारी ही बातें मुरली के अनुकूल हैं, ब्रह्म वाक्य के अनुकूल हैं, ब्रह्मा बाबा के द्वारा जैसे जैसे शिव बाबा ने सुनाया वैसी ही बातें हैं, या कुछ ऐसा लगा कि ये बात समझ में नहीं आई? नहीं, कुछ नहीं समझ में आई तो बताओ। हैं? थोड़ा थोड़ा समझ में आया। जो ज्यादा ज्यादा नहीं समझ में आया वो बताओ क्या? थोड़ा थोड़ा तो समझ में आया, और ज्यादा ज्यादा समझ में नहीं आया? कम परसेंटेज में समझ में आया और ज्यादा परसेंटेज में समझ में नहीं आया, फिर भी आप इधर आ गए इतनी दूर से। तो जो ज्यादा ज्यादा आपको समझ में नहीं आया सो एक एक करके निकालो। निकालो।
मालूम ही नहीं, तो मालूम कराओ भाई। वो मालूम करने के लिए फिर आपको वहां बुलाया जा रहा है भर्ती करने के लिए। जैसे लौकिक दुनिया में मनुष्य आत्मा एक शरीर छोड़ती है और दूसरे बाप के घर में जाके जन्म लेती है, तो जो एक शरीर छोड़ा उसे कहते हैं मरना, और दूसरे बाप के यहाँ जन्म लिया तो कहते हैं जिंदा हुआ जीना। ऐसे ही यहाँ मरना और जीना बेहद का है। क्या विश्व में ब्राह्मण बने, ब्रह्मा बाप की औलाद बने, तो एक बाप के बच्चे थे ना, फिर वहां से बुद्धियों को टूटा है या नहीं टूटा? वहां से बुद्धि का योग टूट गया है या जुटा हुआ है अभी भी? ब्राह्मणों की वो बेसिक दुनिया जहां छोड़ करके आप इधर आ गए, उनसे पूछा भी नहीं कि कह के आए है? कोई कह के नहीं आए, कैसे आए? और दुनिया में भी छोड़ के जाते हैं तो कह के थोड़े जाते हैं, अचानक छोड़ के चले जाते हैं। तो ऐसे ही यहाँ छोड़ के आ गए, माने उस दुनिया से मर गए। किस दुनिया से? ब्राह्मणों की बेसिक दुनिया से मर गए और यहाँ आकर के अभी नए बाप के यहाँ जन्म लेने जा रहे। तो जन्म लेने से पहले 9 महीने गुप्तवास करना पड़ता है कि नहीं आत्मा को, कि बाहर की दुनिया में रहती है और अंदर रहती है? तो ये 9 दिन है आपके, 1 दिन आना है, 7 दिन वहां रहना और फिर 1 दिन वापस जाना। 1 दिन आना, 1 दिन जाना, 7 दिन रहना, 9 दिन हो गए। ये आत्मा का गर्भ हो गया, ज्ञान गर्भ। जैसे उस गर्भ में अंदर ही खाना पीना मिलता है कि बाहर से आता है? अंदर ही खाना पीना होता है, अंदर ही सारा रहन सहन चलता है। बाहर की दुनिया से कनेक्शन कट हो जाता है या कनेक्शन जुटा रहता है? है? कट हो जाता है। ऐसे ही आप वहां जाएंगे तो आपको अंदर ही खाना पीना सारा मिलेगा। बाहर की दुनिया में घूमने फिरने को भी आपको नहीं जाने देंगे, है? और ये आपका गर्भ है, महल पूरा होगा फिर आप निश्चय बुद्धि होके बाहर निकलेंगे। निश्चय बुद्धि होना माना जीवन में आना, बाप का बच्चा बना माना निश्चय बुद्धि, और निश्चय टूट गया माना मर गया। तो आप बेसिक दुनिया से मर गए या अभी जिंदा हैं? मर गए। क्या भूत प्रेत बन के आए हैं? हाँ, भूत प्रेत बन के नहीं आए, हम ज्ञान गर्भ में आ गए। कहाँ आ गए? ज्ञान गर्भ में आ गए। अब ये 9 महीने के बराबर 9 दिन का ज्ञान गर्भ है। वहाँ भर्ती करने के बाद फिर आप बाप के बच्चे बन के निकले। बाप का बच्चा बना माना बाप को पहचाना, बाप को पहचाना। तो बाप इस दुनिया में होगा या नहीं होगा? है? है ना बाबा? हो नहीं, ये तो आप बोल रहे हैं, ये जो नए नए निकले हैं इनसे पूछ रहे हैं।
कि बाप को पहचानेंगे तब, जब बाप इस दुनिया में होगा तब पहचानेंगे, होगा ही नहीं तब पहचानेंगे, है होगा तभी पहचानेंगे। तो आओ एक बार बाप को पहचान लेंगे तो आप निश्चय बुद्धि कहे जाएंगे। जब से आपका इंट्रोडक्शन जब से माता जी ने आपका इंट्रोडक्शन दिया मिल गया आपसे मिलने के लिए, तब से बुद्धि में बैठ गया, बिल्कुल बैठ गया। ये तो कह रहे हैं कुछ बातें समझ में आई, कुछ नहीं समझ में आई, शायद वो अपना एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, हिंदी में नहीं सुन रहे। अच्छा अच्छा ठीक, माने पूछने करना कुछ नहीं है, आपका इंट्रोडक्शन भी दिया है, आपका पहचान हो गया, आप पर आपका साथ चाहिए। वो दूसरे लोग आपसे पूछेंगे, वो बीके वाले आपसे पूछेंगे, वो क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, तो आपको जवाब देने पड़ेंगे ना। ऐसा ना हो आप कुछ बातें न जानते हो और फिर उन्हें जवाब देने में लटपटा जाए, तो सारी बातें क्लियर कर लो। अच्छा वहाँ एडवांस कोर्स लेने के बाद कितने दिन क्लास किया? सीडीडीबीडी तो सुनते हैं बाबा, सीडीडीबीडी देते हैं, सुनने के लिए दूर रहते हैं, भले दूर रहते हैं, दूर रहने वाले दूर दूर के दिनों में आते जाते रहेंगे, जो नजदीक रहने वाले हैं वो जल्दी जल्दी आएंगे। हाँ नहीं नहीं, नक्शा दिखाने की जरूरत नहीं, हम अभी दिखा रहे हैं लोग कहाँ कहाँ रहते हैं, यहाँ ये हमारा यहाँ पर है गीता पाठशाला, मोटाई ब्लॉश, तो ये नजदीक वाले हैं, ये थोड़ा दूर वाले हैं, ये और दूर है, और ये लोग यहाँ रहते हैं सबसे ज्यादा दूर। हाँ तो महीने में एक बार आते हैं और इसे सीडी दे देते हैं लोगों को। हाँ तो सीडी में फॉलो करते हैं। हाँ तो दूर रहते हैं, आना जाना कर रहे हैं ना, आना जाना कर रहे हैं, तब तो आए हैं। हाँ कितनी बार आना जाना किया कोर्स लेने के बाद? कोर्स लेने के बाद एक बार आए थे, महीने में एक बार, लेकिन तीन चार बार आए, महीने में एक बार, तीन चार बार आ चुके। हाँ बस वही बात, जो नजदीक वाले हो तो जरूर रोज आएंगे, दूर दूर वाले थोड़ा दूर दूर दिनों में आएंगे। ठीक है चलो, आपको कुछ नहीं पूछना करना, माता जी को कुछ पूछना, क्योंकि जब आपने इनको समझाया, बेसिक में कितने दिन चले, बीके वालों में चले ना कुछ दिन, कितने दिन? 10 साल। आप परिवार? पूरा परिवार है, परिवार है, माता पिता और दोनों कन्याएं। ठीक है, पूरा परिवार ऐसे ही थोड़े इनकी कोई बात सुन करके आ गए होंगे, कुछ तो इनसे क्रॉस क्वेश्चन किए होंगे ना, नहीं किए? आपका सीडी में आते है सब प्रश्न उत्तर आते रहते हैं, इसलिए हमको पूछने की दरकार नहीं पड़ी। अच्छा अच्छा सब अच्छा लगा है। माना इन्होंने जो कुछ समझाया वो तो बाप की बातें ही समझाई, ब्रह्मा माँ ने जो कुछ सुनाया और बाप ने जैसा समझा वैसा समझाया बच्चों को, तो बाप और माँ ने जो कुछ समझाया ज्ञान दिया वो ज्ञान का वर्षा आपको मिल गया है। वो ज्ञान के संबंध में जितने भी संकल्प हैं वो सारे ही संकल्प आपके संकल्पों से मिलते जुलते हैं, कोई क्रॉस क्वेश्चन पैदा नहीं हुआ इनसे कोर्स लेते समय है, नहीं, नहीं पैदा हुआ,
सब कुछ अच्छा लगा। ऐसा लगा। हाँ, खून दो तरह का होता है, एक आत्मा का खून और एक ये शरीर का खून। जो बाप का खून सो बच्चे का खून होना चाहिए, है ना? तो बाप का खून और बच्चे का खून एक है तो कहते हैं दोनों की बात मिलेगी, झगड़ा कभी नहीं होगा। बाप का खून अलग और बच्चे का खून अलग तो झगड़ा होगा क्या? माँ बाप हैं और एक ही माँ बाप के खून से पैदा हुए बच्चे हैं तो वो कहेंगे मातेला बच्चा, और दूसरा माँ हो गया या माँ के अंदर दूसरे बाप का खून पड़ गया उससे बच्चा पैदा हुआ तो खून दूसरा हो गया या एक ही रहा? दूसरा हो गया। फिर वो बाप का बच्चा है ही नहीं, जरूर झगड़ा पैदा करेगा। आज की दुनिया में ये व्यभिचार बढ़ता जा रहा है, खून एक नहीं हो पाता इसलिए झगड़े पैदा हो रहे हैं। यह है आत्मा का खून। क्या? हमारे अंदर जो संकल्प चलते हैं ना, वो है आत्मा का खून। तो बाप के संकल्प और आपके संकल्प एक हो गए, आपको कोई प्रश्न ही पैदा नहीं हुआ। तो असल सूर्यवंशी बच्चे हुए ना। ठीक है, भक्ति में तो ज्यादा क्लियरेंस मिल जाएगी। हाँ जी, भक्ति में तो हो सकता है जो मैंने नहीं समझाया है, मैं तो उतना नहीं समझा सकूंगी इतना भक्ति में समझाया जाता है, तो पूरा होना चाहिए ना। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, वहाँ फिर वातावरण लगातार का 7 दिन का बदल जाएगा ना। बाबा, तो कई लोग ऐसे होते हैं भक्ति करने आते हैं बहुत उमंग से, बहुत उमंग से भक्ति करने आते हैं, उनको सब तरह से सही हो देते हैं, उमंग बढ़ाते हैं उनका, फिर वे आते हैं तैयार होते हैं, फिर भक्ति करके जाते हैं कि भटनी के समय उनका निश्चय डूब जाता है, फिर जाते हैं गायब हो जाते हैं। ऐसे कई आत्माएं मॉरिशस ऐसे होता है ना। सतयुग के आज से 9 लाख आत्माएं सृष्टि पर आई, त्रेता के अंत तक 2 करोड़ हो गए, फिर द्वापर युग से दूसरे धर्म में कन्वर्ट हुए कि नहीं? है, हुए ना। कितने कन्वर्ट हो गए हिंदुस्तान से, कोई कहाँ के बन गए, कोई कहाँ के बन गए, कोई देश से किस देश में चले गए, कोई किस धर्म में चले गए। 2500 वर्ष में ढेर सारा कन्वर्शन हो गया। तो यहाँ शूटिंग नहीं होगी बाबा? कोई आत्मा ऐसी भी है कि कई सालों तक नहीं आई भक्ति करने के बाद, फिर अब आ गई है। आ गई है तो कन्वर्शन फिर हो गया। तो उनको तो जैसे बाबा कहते हैं कि फिर से भक्ति करनी पड़ेगी, वहाँ से धक्का खाया उधर नहीं गई, और धक्का कहीं नहीं गई, बेसिक में भी नहीं गई, बेसिक में भले नहीं गई लेकिन कहीं ना कहीं तो संघ के रंग में आ गई ना। संघ के रंग में आ गई तो यहाँ भूल गई, अब फिर आ गई। ऐसे होता है, करनी चाहिए। तो अच्छी बात है, करा दो। दूसरी जगह गए, दूसरे संघ के रंग में आए, सब भूल गए। ये ज्ञान तो ऐसा है, इसको लगातार रिवाइज करते रहेंगे, रोज मुरली सुनते रहेंगे तो जिंदा बने रहेंगे। और बीच में गैप कर दिया, और जितना ज्यादा लंबा गैप कर दिया उतना सब भूल जाएगा। कोई भक्ति में चला जाता है, तो हाँ जी, हाँ जी, भक्ति के संस्कार रह गए होंगे तो भक्ति में चला जाएगा। और बाबा एक प्रश्न है, बम्बई को मुंबई भी कहते हैं,
मुंबई और बम्बई होते हैं बॉम्बे। वास्तव में बम्बई तो इसलिए कहते हैं कि हर हर बम बम की नगरी है। क्या कौन है हर हर बम बम? शंकर जी को कहते हैं हर हर बम बम। और शंकर जी का काम क्या है? है विनाश करना। और विनाश करना ये बम छोड़ने वालों का काम है। इस दुनिया में जो बम छोड़ते हैं वो विनाश करते हैं, या जो बम नहीं बनाते हैं नहीं छोड़ते हैं उनका काम है। पहले ज्ञान के बम, बाद में स्थूल बम की बात बताओ। जो स्थूल बम बनाते हैं, स्थूल बम छोड़ते हैं, वो ही तो दुनिया का विनाश करते हैं। आखिरी विनाश कौन करते हैं? लेकिन बनाते कौन है? हैं? वही बनाते हैं। अब जो बनाएंगे वो ही छोड़ेंगे, भले उनमें ताकत नहीं है। सूर्यवंशी बच्चों में ताकत है, वो आत्मिक स्थिति में टिक करके कोई दूसरे में प्रवेश करके उनकी बुद्धि को घुमा देते हैं और वो बम फोड़ देते हैं। तो भले उनमें ताकत नहीं है, लेकिन निमित्त कौन बनते हैं साकार में? वही लोग निमित्त बनते हैं। तो उनका काम हुआ बम फोड़ना, बम बनाना। वो विदेशी होते हैं या स्वदेशी होते हैं? विदेशी। और बाप स्वदेशी बन के आया है या विदेशी बन के आया है? बस जो बाप विदेशी बन करके आया है उसको शास्त्र में नाम दिया है कृष्ण, भगवान कृष्ण, यादवों का हेड। ये जो रशियंस हैं, ये जो अमेरिकन्स हैं, जिनके पेट से बताते हैं शास्त्रों में लिखा है कि मूसल निकले, ये मिसाइल्स की बात है। ये बुद्ध रूपी पेट से मिसाइल्स निकले, उन मिसाइल्स से उन्होंने सारी दुनिया का विनाश कर दिया। तो उन सबका हेड कौन है? शंकर। तो जो हर हर बम बम जिसके नाम के साथ जुड़ा हुआ है उसकी नगरी है बम्बई। क्या? बम बम की नगरी बम्बई। लेकिन वो बम्बई में भी विनाश तब होता है जब देवी सामने आती है। क्या? शंकर विनाश नहीं कराता, कौन कराता है? ना, देवियां निमित्त बनती हैं। अश्वसंहारिणी देवी कही जाती है, देवता नहीं। तो अश्वसंहारिणी काली माता को कहते हैं। काली माता ने दुनिया के जितने भी असुर हैं सबका संहार कर दिया। आज की दुनिया में सारे असुर हैं या कोई देवता भी है? हैं? सारी दुनिया में सब असुर ही असुर भरे पड़े हैं। उन असुरों में से जो बाप की पढ़ाई पढ़ के आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाते हैं, जिनकी आत्मा की ज्योति पूरी जग जाती है, वो तो देवता बन जाते हैं। वो बहुत थोड़े से मुट्ठी भर, और बाकी सब असुर। उन असुरों को क्या होगा? नई दुनिया में जाएंगे? वो तो नहीं जाएंगे। तो सब का विनाश हो जाता है। किसके द्वारा? निमित्त कौन बनती है? शक्तियां निमित्त बनती है। तो उन शक्तियों में जो मुख्य शक्ति है उसका नाम रखा है मुंबा देवी। वहां बम्बई में मुंबा देवी मंदिर है, है? तो लास्ट में उस देवी के नाम पर उस शहर का नाम मुंबई पड़ जाता है। और कलकत्ता कोलकाता ना ही है? बिल्कुल। जो कलकत्ता है ना, वो कलह क्लेश को कट करने वाला है, और कलह क्लेश बढ़ाने वाला काला है, कोयला है
या हीरा है? काला होगा। काला ही होगा। जो काला है तमो प्रधान है, वो कलह क्लेश को बढ़ाने वाला है। काला कौन होता है? जो व्यभिचारी होता है। जो व्यभिचारी है वो है काला, और जो अव्यभिचारी है वो है देवता। उसको काला थोड़े ही कहेंगे, देवता है तो गोरे चिट्ठे होते थे। तो वो कलकत्ता जो कलह क्लेश को काटने वाला है, वो कलयुग के अंत में कोयले जैसा काला बन जाता। क्या बुद्धि कैसी बन जाती? अति तमो प्रधान। जो अति तमो प्रधान होगा वो अति तमो प्रधान को फॉलो करेगा या सतो प्रधान को फॉलो करेगा? गोरे को फॉलो करेगा है? हाँ, उसी को फॉलो करेगा। तो महाकाली का देश है वो। महाकाली अति की काली, अति की तमो प्रधान सब असुरों का संहार कर देती है। तो कलकत्ते का नाम बदल करके महाकाली के आधार पर, जैसे कोयला काला होता है, ऐसी काली के नाम पर कोलकाता। क्या? तो कोयले जैसी काली दुनिया है, उसको काटने वाली नगरी है कोलकाता। दिल्ली और देहली, दिल्ली से तो समझ में आता है कि दिल लेने वाली है। देहली देह ले ली, देहाभिमान की बात है। हाँ, देह ले ली माने देहाभिमान सारा ले लिया। सर काट दिया, असुरों का सर काटती है ना खांडे से, तो देह अलग हो गई, सर अलग हो गया, तो आत्मा अलग हो गई और देहवान अलग हो गया। और एक प्रश्न है बाबा, विदेशी पर। जैसे कहते हैं कि विदेशी आत्माएं तो विधर्मी को बोलते हैं ना, और जैसे कि फॉरेनर्स लोग हैं, जैसे फॉरेनर्स लोग हैं दूसरे देश से आते हैं, दूसरे देश से आते हैं, हर वो हिंदू धर्म संस्कृति देवी देवता धर्म संस्कृति मतलब पर चलते हैं, तो उनको भी विदेशी कहा जाएगा? जैसे हम हैं भारत से, हम अपने धर्म संस्कृति लेकर वहाँ बिछड़ गए, यहाँ उसी के आधार से हम चलते रहे हैं, तो हम भी हिंदू कहलाते हैं। वहाँ भल मॉरिशस में रहते हैं, मॉरिशन बताते हैं, लेकिन हम कहते हैं हम हिंदू हैं और हिंदू धर्म संस्कृति को अपना कर चले हैं, हिंदू धर्म संस्कृति को अपना कर चलते हैं, उसका सम्मान करते हैं। रामायण भागवत गीता सब जो तो यहाँ से गए थे आप्रवासी लोग, तो ये सब लेकर गए थे, तो उसी के आधार से हमको संस्कार मिला, पालना मिली, तो आज हम अपने को हिंदू बताते हैं। और व्रत त्योहार आदि जो भी रखे जाते हैं उससे हम साबित करते हैं कि भारतीय संस्कार है हमें, तो हम भारतवासी नहीं हुए। लेकिन वासी अभी कहाँ के हैं? अभी तो वहाँ रह रहे हैं बाबा, लेकिन आत्मा तो यहाँ बसी हुई है, कनेक्शन तो यहाँ है। लेकिन लेकिन देह के आधार पर वासी कहा जाता है या आत्मा के आधार पर वासी कहा जाता है? इसीलिए कहते हैं आप मॉरिशस मॉरिशंस हैं, आप भारतवासी थोड़े ही थे कभी, आपकी आत्मा थी भारतवासी, अभी इस जन्म में तो आप उस देश के वासी हैं ना। क्यों हम जैसे अंदर से स्वीकार नहीं करते हैं कि हम विदेशी हैं? अंदर तो आत्मा है ना, वो स्वीकार नहीं करती है, लेकिन बाहर से तो आप वही के हैं ना। और वैसे भी कहा जाता है कि मॉरिशस छोटा भारत है, सारे धर्म संस्कृतियों का संगम बताते हैं वहाँ, सब मिलजुल कर अर्थात जन से जुड़ती। उसका नाम मॉरिशस क्यों पड़ा? इसलिए पड़ा कि दो शब्द मिल गए, मारिस माने मारूंगा, गुजराती में कहते हैं मारिस माने मारूंगा, यस माने हाँ मारूंगा, माना माना भारतवासी क्या करेंगे, सारी दुनिया को मारेंगे, लास्ट में सारी दुनिया मर जाएगी, भारतवासी रह जाएंगे। फ्रांसीसी लोग आए थे, हैं मोरिस नाम रखा है, फ्रांसीसी लोग आए थे, उन्होंने जब हुकूमत चलाई तो मोरिस नाम रखा था।
अंग्रेजों ने देश ले लिया तो उन्होंने मॉरिशस नाम था। हाँ जी, के अनुसार भारत के अनुसार जब यहाँ से भारत वापस जाते हैं तो वे लोग बोलते हैं मॉरिशस। हाँ जी, और कुछ है? और कुछ नहीं, बताओ। हिंदी बोलने की प्रैक्टिस खत्म हो गई क्या? प्रैक्टिस नहीं, भोजपुरी बोलती है, है? भोजपुरी बोलते हैं, प्रैक्टिस नहीं है, कब करेंगे? अच्छा, मैंने वहाँ भोजपुरी लोग ज्यादा इकट्ठे हुए पड़े हैं उस द्वीप में। वो जिस जहाँ आप लोग रहते हैं वो द्वीप है ना, सागर से घिरा हुआ छोटा सा द्वीप, उस द्वीप में भोजपुरी लोग ज्यादा रहते हैं। भोजपुरी लोग? हाँ, भोजपुर से आए हुए बिहारी लोग, वो लोग ज्यादा रहते हैं, इसलिए भोजपुरी ही बोली जाती है। और भोजपुरी, हिंदी तो पढ़ाई जाती है प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी। चलो ठीक है, हैं? कुछ समय हैं? बात कर रही है खास कर। अरे बात ही तो करने आए, और काहे के लिए आए हैं? क्या